हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और दोस्तों आज बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं जो कि आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली खबर आ रही है डॉगी कॉइन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, डॉगी कॉइन काफी दिनों से चर्चा में है तो उसकी खबर हर दिन आपको मिलेगी देखने को। दोस्तों आज भी खबर आ रही है, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं नाम है मार्क कुबन, मतलब उनके फॉलोवर्स आप देखेंगे ट्विटर में तो 8.5 मिलियन फॉलोवर्स है उनके और वो एक बिलीनियर है। तो दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि डॉगी कॉइन $1 को हिट करने वाला है और जैसे ही वो $1 को हिट करेगा उसके बाद वो $1 पे स्टेबल हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। मेरे तरफ से कोई भी राय ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं तो अभी आप इसको सेल मत कीजिए, बाकी मेरा राय यही रहेगा। और दोस्तों अगली खबर आ रही है सिटी बैंक को लेकर। दोस्तों सिटी बैंक सोच रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर और वो वहां पर कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, जैसे कि कस्टडी सर्विसेज वो वहां पर प्रोवाइड करेगी। तो सिटी बैंक में हो सकता है कि आप क्रिप्टो का बाय सेल कर पाए। हालांकि हम लोग के लिए काफी बड़ी न्यूज है, अगर बैंक में ही क्रिप्टो सेल और बाय होने लग जाएगा तो काफी ज्यादा क्रिप्टो फेमस हो जाएगा फ्यूचर में। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जो नोकिया है वो लॉन्च करने वाला है एक ब्लॉकचेन और उस ब्लॉकचेन को वो यूज भी करेगा अपना कंपनी ग्रो करने के लिए। और दोस्तों अगली खबर आ रही है बिटकॉइन को लेकर। दोस्तों कहने में आ रहा है सैन फ्रांसिस्को में एक कंपनी है मेट्रोमाइल कार इंश्योरेंस की, वो एज ए पेमेंट बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाली है। और दोस्तों अब खबर आ रही है तजाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों तजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया है फैंटम फाउंडेशन के साथ अपना ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, और सुनने में आ रहा है वो फैंटम कॉइन को भी यूज करेंगे जिससे वो अपना ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाए। और दोस्तों अगली खबर आ रही है आईएसटी की तरफ से। दोस्तों आईएसटी ने एक नया पार्टनरशिप कर लिया है मून स्टेक के साथ। दोस्तों मून स्टेक एक वॉलेट है और दोस्तों मून स्टेक को एशिया का टॉप स्टेकिंग नेटवर्क बनना है, जिसके लिए उसने आईएसटी के साथ हाथ मिलाया है। और दोस्तों मून स्टेक के साथ बहुत सारे कॉइन जुड़े हुए थे, जैसे कि कार्डेनो हो गया, पोल्काडोट हो गया और कुतुब नाम के बहुत सारे कॉइन जुड़े हुए थे, लेकिन अब आईएसटी भी उसके साथ आ गया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली कोई न्यूज में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।